Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. Hello everyone, my name is Thirsty Cab and welcome to my channel. और मैं अभी नहीं है, एक 4x4 के ब्लॉक में खड़ा हूँ जिसका नाम है SkyBlock सीरीज। हम SkyBlock सीरीज पहले चालू कर रहे हैं मेरे YouTube चैनल के फर्स्ट वीडियो में। और ये पीछे एक विलेज है, पता नहीं क्या है वो, एक घर है बहुत एक कमाल का, मतलब अच्छा बनाया हुआ है, इतना भी अच्छा नहीं है, पर जो भी है वहाँ पर जाके देखना है मुझे। और ये SkyBlock सीरीज इतना भी पता नहीं कितना अच्छा होगा, बट हम देखेंगे। वहाँ पर आपको एक डॉलर दिखाई दे रहा होगा, पर वो हम बाद में देखेंगे। तो चलो गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए, और लेट्स क्रैक ऑन कि क्या होता है ये SkyBlock के अंदर। बट छोड़ो, एक लाइक दे देना, ठीक है ना। तो चलो, मैं अभी फर्स्ट पर्सन मोड पे आ जाता हूँ। फर्स्ट पर्सन, गुड 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 गुड, लाइक मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट देख सकते हो नीचे वॉइड है, और मैं अगर उसके अंदर गिरा तो मेरे सारे टूल्स जो भी हैं सब जाएंगे। ये चेस्ट, वो आइलैंड इन द स्काई चैलेंजेस, आइलैंड इन द स्काई चैलेंजेस। अच्छा, दो दो हैं, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। आइलैंड इन द स्काई विच शॉप बाय एडर जे आर टू ने इन्हें बनाया था। सो इसके अंदर कुछ रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। डोंट यूज़ क्रिएटिव मोड, डोंट ब्रेक स्टोन ब्लॉक्स, डोंट टेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टोर आइटम फ्रेम्स, डोंट किल द विलेजर, प्ले ऑन नॉर्मल और हार्ड, डोंट किल यूरसेल्फ टू रीजनरेट हेल्थ। ओके, तो मैं नॉर्मल, मेरे को हार्ड में खेलना पड़ेगा। व्हेन द ट्रेड विद अ विलेजर इज कैंसल्ड, दिस कैन बी एक्टिवेटेड अगेन, ओनली बाय और सेल अदर आइटम्स विद द सेम विलेजर एंड इट विल बी एक्टिवेटेड अगेन फॉर ऑल विलेजर्स। समझ गया। ओके, नाउ लेट्स सी चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस, वाओ, मैं नॉर्मल हार्ड में करने वाला था, यप, हार्ड हो गया। नाउ लेट्स सी चैलेंजेस, कम ऑन। एडर जे आर टू नहीं बनाया था, क्रिएट अ कॉपल्सन जनरेटर, बिल्ड अ हाउस, ब्ला 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 ब्ला। बाप रे बाप, 50 गेट ड्रैगन एग, माई गॉड। ओके, नो, चैलेंजेस तो हम करेंगे ही, बट बुक्स को साइड में रखते हैं और अपने लिए सबसे पहले एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं। बट तुम लोग देख सकते हो मेरे पास एक लावा है, 2 आइस क्यूब, 10 सैंड, 6 ऑब्सीडियन, 1 पम्पकिन, 1 एक मेलन, 1 कैक्टस, शुगर केन, 5 डॉलर वगैरह वगैरह सब चीज़ें। बीट रूट किस, कौन इस्तेमाल करता है भैया, और 2 मशरूम हैं। तो सबसे पहले ये वुड को चॉप डाउन कर दे, भाई जंप मत कर। हाँ, सबसे पहले ये वुड को चॉप डाउन कर देता हूँ पूरी तरह, और अगर ये वुड पूरी तरह चॉप डाउन हो गया तो प्लीज़ मेरे को 2-3 सैपलिंग दे देना। 1-2 सैपलिंग भी देगा तो काफ़ी होगा, क्योंकि तुम लोग ढंग से देख सकते हो मैं SkyBlock खेल रहा हूँ और यहाँ पर सिर्फ एक ही पेड़ है। ये हमारा सर्वाइवल वर्ड नहीं कि हम लोग को पेड़ पे पेड़ मिलते रहेंगे। हाँ, हम लोग वहाँ पर जल्दी जाएंगे, एक सेकंड में थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। सैपलिंग्स को फ्लो होने दो, सैपलिंग्स की बारिश होने दो, बहुत लेट हो रहा है, चलना मैं खुद से करने की कोशिश करता हूँ। ओके, गिव मी सम सैपलिंग्स। ओ वो, 2, ग्रेट, नाइस, बस 2 ही मिलेंगे यार, 2 मिल गया यार, मैं तो अचानक से चौंक गया। कम ऑन, गिव मी सम मोर। ओके, देयर इज नो मोर, वो दैट इज, ओ नीचे मत गिरना, ओ नीचे मत गिरना, ओ बच गया, अच्छा वो बच गया। हाँ चलो भैया, यहाँ पर इसको लगा देते हैं, एक क्राफ्टिंग बेंच बना लेते हैं और कुछ स्टिक्स, ताकि हम अपने लिए एक क्राफ्टिंग बेंच को यहाँ प्लेस कर देते हैं। हम अपने लिए एक पिकैक्स बनाएंगे, पिकैक्स बनाएंगे, और अब हम बनाएंगे कॉबलस्टोन जनरेटर। ओह शिट, ये नहीं करना चाहता था मैं। कॉबलस्टोन जनरेटर, 1 लावा और 2 आइस हम लोग के पास है। सही में मैंने अभी आइस पे क्लिक किया था। ओके, 1 ही आइस चाहिए हम लोग को, बाद में हम इन्फिनिटी सोर्स बना लेंगे, वो क्या बोलते हैं, वाटर का, ताकि हम बार बार ले पाएँ। सबसे मुझे बकेट चाहिए, इसलिए मैंने लावा को वहाँ रख दिया। अभी मैं कॉबलस्टोन जनरेटर कैसे
मैं थोड़ा भूल तो नहीं गया ना, मेरे को पता तो है। कम ऑन पानी, हाँ यस बराबर है। अब मुझे बहुत ही सावधानी से इस पानी को रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीचे दो चार कॉबलस्टोन पहुंचाने। बराबर है, गुड 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 गुड। गाइस ऐसे तो बोलना ही मत कि मैं पहले खेल चुका हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खेला हूँ, बट इतना तो समझ में आता ही है कि कैसे क्या करते हैं। कॉबलस्टोन जनरेटर, एक दो, आई थिंक मेरे को एक और ब्लॉक नीचे जाना चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ पानी कॉन्स्टेंटली नीचे फ्लो हो, नीचे ही फ्लो हो रहा है ना। हाँ, और ये जो खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पर हम लोग का कॉबलस्टोन आएगा। कम ऑन गिव मी द डर्ट, गिव मी द डर्ट। ओके, अब यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर कॉबलस्टोन आएगा और इधर साइड हमारा लावा जाएगा। लावा, मुझे यहाँ से नीचे तक जाना है ताकि मैं ये जितने भी ग्रास ब्लॉक दिख रहे हैं ना सबको ले पाऊँ, जितने भी हैं ग्रास ब्लॉक, कि उसके बाद ही मैं अपना जो है ना कुछ भी ट्री फार्म या फिर वीट फार्म जो भी है बना पाऊंगा। ओके कम ऑन, गिव मी सम कॉबल स्टोन सो आई कैन अपग्रेड माई टूल। रियली गेम, ये गेम मेरे साथ को मस्ती कर रहा है। एक कॉबल स्टोन तीन तोड़ने के बाद एक मिल रहा है मेरे को। सही में यार, मेरे को एक नया कॉबलस्टोन जनरेटर चाहिए, वो जो बहुत एफिशिएंट हो, एक बार तोड़ने के बाद बार बार कॉबलस्टोन मिलते रहे। बस मैं देखना है, अभी अभी बनाऊंगा कुछ देर बाद जब मैं आइलैंड के नीचे साइड चला जाऊँ। ओ यार तीन, अरे ओके सॉरी, मैं क्राउच था और मैं क्राफ्टिंग टेबल को क्लिक कर रहा था। ये रियली, ओ वो लावा में जाके इधर आया, ओ दैट्स सो ग्रेट। ओके कम ऑन, लाइक मेरे को चाहिए लाइक कितने, 20 और ये पता नहीं 15 और 20 मिल जाएंगे मेरे को, काफ़ी है क्योंकि तो अगर मेरे को 15 और 20 मिल गए तो उससे मैं स्लैब बना के नहीं वो विलेजर लोगों के पास जा पाऊँगा, और ज़रा मैं देखूँगा कि वो लोग क्या ट्रेडिंग करते हैं। वैसे मैंने जब मैप डाउनलोड किया था ना, मैंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया था कि इसके अंदर क्या क्या आएगा और आपको नहीं, अगर ये मैप नहीं है जैसे जैसे लाइक, तो मैं ऐसा करूँगा कि जब भी मैं 10 एपिसोड या 20 एपिसोड या 30 एपिसोड में पहुँच जाऊँगा हमेशा ये मैप का नहीं, ये एक डाउनलोड रख दूँगा ताकि तुम लोग आओ मेरे वर्ल्ड में घुसो और देख पाओ कि मैंने क्या क्या बनाया। ओके ओके 17, कम ऑन कितना, 18, रियली गेम 18, यप ओ 25, बराबर है बराबर है। जितने भी कॉबल स्टोन है उधर जाते हैं ना, तो इसलिए चलो स्लैब बनाते हैं, स्लैब स्लैबी जाबी स्लैबी जाबी। अब मेरे को एकदम अलाइन करके मारना पड़ेगा। दरवाजा कहाँ है, इधर साइड, परफेक्ट, हाँ यहीं पर ही है। उससे थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया था मैं। हैया 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 हैया, ओके अगेन हैया 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 हैया। वो क्या है, डबल हो गया, शिट मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब मैं बाद में नीचे से वो घर बनाऊंगा तो मेरे को एक गंदा सा दिखेगा। मुझे मालूम है मेरे को मेरा घर नीचे बनाना है क्योंकि मेरे को लगता है वही एक सेफ जगह है, और मेरे को लग रहा है, देखो रात हो रही है, मेरे को लग रहा है अभी मॉब स्पॉन होंगे। मेरे पास एक टॉर्च तक नहीं है और ये पेड़ उगने में देखो कितना टाइम ले रहा है, अभी तक उगा भी नहीं। काश मेरे पास माइनक्राफ्ट का बेटा वर्जन होता ना, उसके अंदर नया चीज़ आया है 1.18.11 में, तुम लोग रैंडम टिक स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हो, तो काश मैं वो कर पाता, बट उससे तो चीटिंग माना जाएगा। छोड़ो, फ्री एनविल वो अबे इन लोग का मुंह तो देखो, वाओ वाओ, ओ ये बहुत मस्त दिख रहा है, क्यूट। ये पता नहीं क्यों रूठा हुआ है, ये तो मुझसे रूठा हुआ लगता है। छोड़ो जरा देखे तो इन सब के पास क्या क्या है, मॉब स्टफ, फार्मिंग टूल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, मिसलेनियस, ओके मिसलेनियस। ओ या तू मुंडी लाया,
processed food, plants, minerals, meats, mouth drops. Okay. और इसके पीछे क्या है? हे ये तो नेदर नेदर जाने का है, वो है नेदर डायमेंशन जाने का, वो है रास्ता, आधा ऑब्सिडियन और आधा कोबलस्टोन। यप, हमारे पास जो ऑब्सिडियन पड़ा है शायद तक मैं उससे यहाँ पर चल जाऊँगा, बट मैं ऑब्सिडियन यहाँ से खरीदूंगा अगर ये लोग ऑब्सिडियन बेच रहे होंगे तो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो नया कोबलस्टोन जनरेटर बनाऊँ उसके अंदर मैं उसको इस्तेमाल करूँ। ये क्या लेता है? डॉलर लेता है ये करने के लिए। 64 से हम लोग $2 कमा सकते हैं। वाह, 64 कोबलस्टोन से हम $2 कमा सकते हैं। मतलब अगर ये जो डॉलर देगा उसको हम लोग को अपने पास रखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे विलेजर्स से जाके ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, नया टूल्स खरीदना पड़ेगा। वाओ, दैट्स सो ग्रेट, नाइस। ये घास को हटाओ यार, इसके वजह से मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई मॉब स्पॉन हो गया ना तो पक्का मैं तो गया भाई। और देखो ना, ये बिल्कुल वो नहीं है, सेफ जगह नहीं है वो, ये बिल्कुल सेफ जगह नहीं है। अभी तो हम थोड़ा कोबलस्टोन निकाल लेते हैं। गाइस मेरे को लगता है अगले एपिसोड में नहीं है, मेरे को टाइम लैप्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि लाइक डॉलर तो अभी नहीं कमाया जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मेरे पास जो कैक्टस है उससे मैं एक कैक्टस फार्म बना लूँ बड़ा करके, पर उसके लिए तो हम लोग को स्ट्रिंग्स चाहिए होंगे। और मैं मॉब ड्रॉप्स में जाके देखूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी $5 पड़े हुए हैं, और उससे मैं स्ट्रिंग्स ले लूँगा और एक एफिशियंस कैक्टस फार्म बना लूँगा। कैक्टस के बाद बीट रूट, देन वॉट, कैरेट, देन वीट, अलग अलग फार्म बना दूंगा और वो काफ़ी एफिशिएंट होंगे, जिससे मैं बाद में डॉलर कमाऊंगा, फिर डायमंड्स खरीदूंगा। अब डायमंड्स के बाद मेरे को अच्छे टूल्स मिल जाएंगे। बट ये कोबलस्टोन जनरेटर बड़ा ही घटिया है, मुझे एक नया वाला चाहिए, रियली बता रहा हूँ। मैं कोबलस्टोन थोड़ा ले रहा हूँ ताकि नीचे अभी मैं स्लैबी जैबी लगा पाऊँ, या ये आइलैंड के ठीक नीचे मेरे को स्लैबी जैबी लगाना है, ताकि ये जितने भी ग्रास ब्लॉक है जैसे कि मैंने पहले बताया था सब के सब टेक डाउन कर सकूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि टेक डाउन करने पे नहीं है, ये जितने भी ग्रास ब्लॉक है ना सब मेरे बाद में काम आ पाए, जितने भी हैं, पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कम ऑन। हाँ मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहा था मैं, छोड़ो ना, आई थॉट लाइक कुछ स्लैबी जैबी बनाते। ओ माय गॉड, एकदम परफेक्ट 64 ही बना। अब एक सेकंड, अगर मैं यहाँ से नीचे गया तो ऊपर आऊंगा कैसे? एक सेकंड, मेरे पास वुड है ना। हाँ चलो कुछ लैडर्स बना लेते। ओ बाप रे, क्राउच कितना, लगभग 6 लैडर्स ही होगा हम लोग को। एक और, हाँ 6 लैडर्स। वाह दैट्स नाइस। अब जाते नीचे, अब वहाँ नीचे आना, बहुत सेफ्टी में जाऊँगा। ओके मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 बस, दैट्स इट, ग्रेट। अभी तक मैं जिंदा हूँ वही बड़ी बात है। स्लैबी जैबी 2 3 ओके देख के बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा मटेरियल्स नहीं है ना यार, इसलिए थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ेगी मेरे को। अगर मेरे पास ज़्यादा मटेरियल्स होते ना तो लाइक मैं थोड़ा अच्छे से बना पाता, वरना मैं स्लैब्स का नहीं सिर्फ उसका बनाता। बट अभी मैं जो नया कोबलस्टोन जनरेटर बनाऊंगा उसके अंदर मैं जितने भी अभी मेरे आएंगे ना सब कुछ स्लैब्स नहीं तो ब्लॉक से बनाने की कोशिश करूंगा। शुगर केन, आई थिंक शुगर केन एक बेस्ट जरिया है पैसे कमाने का, पर मैं नहीं जानता कैक्टस और शुगर केन का कितना लेते हैं, तो हु केयर्स। वो सिर्फ इतना ही गया पानी से नीचे, मेरे को लगा लावा बहुत नीचे तक गया है, मुझे लगा काफी नीचे तक गया होगा ब्लॉक, छोड़ो हु केयर्स। बराबर है, हाँ बराबर है, ओके 1 2 3 बराबर है 1। वो ये जितना भी है सबको नीचे लाना पड़ेगा। एक ब्लॉक ऊपर मैं अपना एक नया फ्लोर बनाऊंगा, और ये जो नीचे फ्लोर दिख रहा है ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपना घर बना दूँ, उधर क्राफ्टिंग टेबल, इधर फर्नेसेस, और यहाँ पर चेस्ट, मेरा स्टोरेज सिस्टम। और यहाँ पर जो दिख रहा है जगह, उधर मैं सोच रहा हूँ फार्म बनाऊँ, मैसिव फार्म,
मैसिव फार्म का मतलब बहुत बड़ा फार्म। अगर ये लोग स्लाइम ब्लॉक बेचते हो तो मैं शायद तक सोच रहा हूँ एक मैसिव सुगर फिगन फार्म बनाऊँ। और अगर तुमको देखना है वो वीडियो तो तुम मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि मैसिव शुगर कैन फार्म कैसे बनाते हैं, तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, एक नया वीडियो बना लूंगा मैं उसके लिए। वो मैं कुछ ज्यादा लेफ्ट में चला गया हूँ, वैसे क्राउच तो टाइम डर तो नहीं लगता, पर जैसे मैं अपने इन्वेंटरी पे क्लिक करता हूँ ना ऑटोमेटिक मैं उठ ही जाता हूँ। और मेरे को एक सेकेंड, यहाँ से आया था, यप दो ब्लॉक्स आगे गया था ना मैं, यहाँ से आया था। अब मेरे पास 6 हैं, तो मेरे को सपोर्ट के लिए इनमें से कुछ डर्ट को निकालना पड़ेगा। नाइस, अब मैं ऊपर आ गया। ओ वो सॉरी, मैं जरा जंप बटन को क्लिक नहीं कर रहा था, सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा उस साइड चला गया था। एक दो तीन चार, सॉरी गाइस, वो मेरा बाजू वाला फोन था ना वो बज रहा था। उफ, ओके चलो नीचे चलते, लास्ट वाला लगा देते। सिक्स, यप। अब मेरे को फिर से कोबलस्टोन निकालना पड़ेगा। चलो थोड़ा और फार्मिंग कर लेते हैं। ये पेड़ उग क्यों नहीं रहा है यार? और अगर सही बता रहा हूँ, अगर ये पेड़ नहीं है एकदम ऐसे टाइम पे होगा जब मैं उसके ऊपर से चल रहा हूँ तो मेरी तो वाट लग गई, सही बता रहा हूँ। और अभी मेरे पास कोई फूड वूड भी नहीं है कि लाइक अगर मैं वो मेरी लाइफ कम हो गई तो रीजनरेट कर पाऊंगा। कम ऑन, गिव मी सम मोर कोबलस्टोन। मैं सोच रहा हूँ अभी नीचे जाके एक कॉबल स्टोन बना लूँ, पर उसके लिए मेरे को स्लैब चाहिए ताकि मैं वो पूरा जितना इंटायर फ्लोर है ना, इंटायर फ्लोर वो पूरा कंप्लीट कर लूँ। कम ऑन, ओके गुड, 16 है। सोच रहा पानी को लेके चलूं मैं, बट नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, पहले नीचे जाके देखते हैं कि कितना। अरे यार रियली धक तेरे की, फिर से ऊपर चलो। स्लैब्स में कन्वर्ट करना था, ज्यादा नहीं करूंगा बट जितना हो पाए उतना ही। यार ये क्राउच करना मेरे को थोड़ा बंद करना पड़ेगा, मेरे पर यार तब ये करूंगा जब मेरा आइलैंड बहुत बड़ा हो जाए, तब मैं क्राउच करना बंद कर दूंगा। 18 तो मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कम तो नहीं, बहुत ज्यादा है। ओह वो ये मैंने गलती से नहीं किया, ये अपने आप हो गया, डबल क्लिक मिस फायर हो गया था। मैं सोच रहा अब यहाँ पर मेरा नया कॉबलस्टोन जनरेटर बना दूँ। अब मैं कैसे यहाँ पर, अगर मेरा देखो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, यहाँ पर तो हम लोग का पानी का सोर्स नहीं, वो फ्लो होता रहेगा। ये एक ब्लॉक हो गया, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर एक ब्लॉक हो गया क्योंकि पानी तो ऊपर से नीचे तक आता रहेगा और यहाँ पर ही वो हो जाएगा। सॉरी यार मेरे को मैसेजेस आ रहे, तो यार मैं क्या करूं, मेरे फ्रेंड लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं। हाँ तो मैं कर रहा था कुछ लाइक दिस, या यहाँ पर जो हम लोग का पानी का सोर्स है वो लाइक नीचे फ्लो होता रहेगा। यार मेरे को थोड़ी कंजूसी करनी पड़ रही, नीचे से कॉबलस्टोन निकालना पड़ रहा है क्योंकि यार मेरे पास अभी इतना कॉबलस्टोन है नहीं। अब यहाँ पर जो पानी फ्लो होगा मैं नहीं चाहता कि वो बाहर आ जाए, तो इसलिए मैं दो आजू बाजू लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग का लावा होगा और वहां से हम लोग तोड़ेंगे। हाँ ये वो जगह है जहां पर हम लोग को कॉबलस्टोन मिलता रहेगा, इधर साइड लावा होगा और इधर साइड हम लोग का ऑब्सीडियन, जो पीछे साइड होगा हम लोग का, इधर साइड जो ऑब्सीडियन होगा। और हम AFK कर सकते हैं यहां से नहीं, सीधा मतलब मार के
तो सबसे पहले हम जाते हैं, थोड़ा वाटर सोर्स ले आते हैं और कुछ कॉबलस्टोन को कर लेते हैं। पहले कुछ कॉबलस्टोन निकाल लेते हैं, उसके बाद जाकर वाटर सोर्स का जो है ना मेरे पास ब्लॉक, उसको ले लूंगा मैं। नाइस। आते जाओ, ज्यादा नहीं, लगभग 8 या 10 चाहिए, 8, 9, 10 ही चाहिए। 4 से आगे बढ़ ही नहीं रहा वो, 5 फाइनली 5 हुआ, 6 हुआ। यार सही में मेरे को ये कॉबलस्टोन थोड़ा गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि ये ग्रास ब्लॉक है ना जो ऐसे मतलब टूटने की कोशिश करता है ना, इसलिए थोड़ा गुस्सा आता है मेरे को। 10 काफी है भैया जी, 10 काफी है। ओ बकेट यहाँ पर है, कहने में थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा। बकेट देन नीचे, चलो 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 चलो, ओके नाउ पुट द वाटर। ओके ये फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग का लावा आएगा, यहाँ पर हम लोग का लावा आएगा, तो यहाँ पर हम लोग अपना प्लेस ब्लॉक प्लेस कर देते हैं। बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग को ऑब्सीडियन आएगा, बट फिर भी मैं नीचे का ब्लॉक निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉबलस्टोन जनरेटर एफिशिएंस तो है, बट हम लोग को अभी भी कुछ कॉबलस्टोन चाहिए, सो हमको थोड़ी कंजूसी तो दिखानी पड़ेगी यार। नाउ हियर कम्स द ऑब्सीडियन एंड द लावा, बट लेट्स सी। सो वो पेड़ उग गया, यक ये कैसा पेड़ है। छोड़ो हु केयर्स, ग्रास को निकलने दो, या फिर हम लोग पूरा कॉबलस्टोन डाल देंगे। मेरे को कुछ और भी लेना था, क्या था वो, हाँ ऑब्सीडियन शायद तक, हाँ ऑब्सीडियन था। ऑब्सीडियन इसको स्प्रेड कर देते हैं, हम लोग को सिर्फ एक ही चाहिए, और स्टिक हम लोग को सिर्फ एक ही चाहिए। कम ऑन नीचे चलो। अब ऑब्सीडियन हम प्लेस करते हैं राइट ओवर देयर, यप। अब यहाँ पर लावा, ओह बच गया। कम ऑन लेट्स सी। अरे हाँ यार मेरे पिकैक्स का एफिशिएंस देखो ना खत्म हो गया, मुझे एक नया पिकैक्स बनाना पड़ेगा, और मुझे एक अच्छा सा ट्री फार्म चाहिए, क्योंकि एक एक ट्री से मेरा कुछ नहीं होने वाला, बार बार मैं चॉप करने तो आने नहीं वाला। लेट्स सी ये कितना एफिशिएंस है। देखो ऑब्सीडियन तो टूट नहीं रहा, तो मैं अपना पिकैक्स कुछ इसी तरह रख सकता हूँ कॉन्स्टेंटली, और ये सिर्फ कॉबलस्टोन को तोड़ता रहेगा जो बार बार स्पॉन होते रहेंगे लावा और पानी की वजह से। ओके सो गाइस हम नहीं है, मैं थोड़ा वीडियो के फुटेज को थोड़ा कट करता हूँ, एक बार AFK करके देखता हूँ कि हम लोग को कितना कॉबलस्टोन मिलता है। ओके गाइस आई डू अ लिटिल बिट ऑफ AFK, और हम लोग के पास 45 कॉबलस्टोन है। ये काफ़ी एफिशिएंस कॉबलस्टोन जनरेटर था, आज हम लोग ने बहुत कुछ किया, एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया, ऊपर से आइलैंड को नीचे थोड़ा एक्सपेंड किया, हम लोग ने लैडर बनाया, वहाँ पर विलेजर्स लोग के पास जाने तक का एक रास्ता बनाया। बट गाइस यार आज का टाइम बस यहीं पर ख़त्म हो गया यार, मेरे को आपके साथ बहुत ही एंजॉय हुआ, यहाँ पर हम लोग ने बहुत कुछ किया। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको जो भी अच्छा लगे वो कॉमेंट कर देना, एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। I ain't here.